अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं यहाँ पे कोफ्ते बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बीफ मिंस लिया है 1/2 kg, 1 टेबल स्पून योगर्ट लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और स्मॉल मैंने एक अनियन लिया था जिसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कोरिएंडर और 3 ग्रीन चिलीज डाल के उसको चॉप कर लिया, और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने गोल्डन फ्राई अनियन लिए हैं, और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने शान का कोफ्ता मसाला यूज़ किया है। अगर आप ये ना यूज़ करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर अकॉर्डिंग योर टेस्ट सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोफ्ता मसाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है और इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है और इजी टू कुक है। तो अगर आप ये ना यूज़ करना चाहें कोई बात नहीं, आप अपने घर के मसाले यूज़ कर सकते हैं, पर यकीन जानिए इसको यूज़ करके एक दफ़ा देखिए, ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। और सबसे बड़ी बात, आजकल टाइम नहीं है इतना कि चीज़ें पीसी जाए खशखश वगैरह, तो बस एक शॉर्टकट लगाया है और पैकेट यूज़ किया है मैंने। तो चलिए आइए फिर इन सारी चीज़ों को हम कीमे में शामिल करते हैं, और इसके साथ मैंने एक अंडा भी यूज़ किया है बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अंडे से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बनते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम मेक श्योर आप कीमा जो लेंगे उसका पानी बिल्कुल निकला होना चाहिए, कीमे में पानी ना हो तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। तो चलिए आइए फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और इसकी बॉल्स बनाते हैं। यहाँ देखिए मैं बॉल्स बना ली, अब हम इनको एक साइड पे रख देंगे और हम अब इसकी ग्रेवी तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1/3 ऑयल यूज़ किया है, और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन को पीस लिया था, बिल्कुल पेस्ट बना लिया था, और वो ऑयल के अंदर ऐड करके हम अनियन को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पर जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, इसमें हम 3 कार्डेमम ऐड करेंगे, हरी इलायची, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप योगर्ट लिया था और 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कोफ्ता मसाला ऐड किया था योगर्ट के अंदर, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ अनियन देखिए मेरी गोल्डन हो चुकी है, अब इसके अंदर हम योगर्ट और कोफ्ता मसाला जो हमने मिक्स किया था उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। यहाँ देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है हमारी, और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी ऐड किया था ताकि इसके अंदर कोफ्ते जब मैं डालूँ तो कोफ्ते गल भी जाए और जितनी ग्रेवी हमें रखनी है वो ग्रेवी भी आ जाए। यहाँ देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर अपनी बॉल्स ऐड करके और इसको कवर करके एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए हम इसको हल्की आंच पे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि बॉल्स हमारी कोफ्ते हमारे अच्छे से गल जाए और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर चुकी हूँ, अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग राइस के ऊपर। यहाँ मैं बघारे चावल बनाने जा रही हूँ, जिसको आजकल के बच्चे ब्राउन राइस कहते हैं। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं,
लाइक ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, तेज़पत्ता और थोड़ी सी प्याज। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, भूनेंगे और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी प्याज ना जल जाए। और फिर इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2.5 कप राइस लिए हैं, तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। जैसे ही बॉयल आएगा अब हम इसके अंदर अपने सूख किए हुए राइस ऐड करेंगे और इसको फिर हम पका लेंगे। यहाँ देखिए कोफ्ते हमारे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे, पोटैटो। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इसे कट करके मैंने इसमें डाल दिए और इसे कवर कर दिया दोबारा से। यहाँ राइस हो चुके हैं, इसे मैं दम पे रख दिए मैंने। और यहाँ पे हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर अब हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे ताकि हमारा ऑयल कोफ्तों के ऊपर ऑयल अच्छे से आ जाए। देखिए कितना अच्छा ऑयल आ चुका है। और ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, सर्व भी कर लिया है मैंने। देखिए टूटे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप लोग इसको बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।